रायपुर से, जहां पर एक मेकाहारा अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों की मौत का मामला सामने आया है। मेकाहारा अधीक्षक ने मौत का कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया, तो स्वराज एक्सप्रेस ने पड़ताल की, तब जाकर उजागर हुआ कि गर्भवती महिला पीलिया पीड़ित थी। जिला अस्पताल पंडरी के अधीक्षक रवि तिवारी ने बताया कि कापा निवासी अनिता निषाद को 17 अप्रैल को पीलिया के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। एक गर्भवती महिला 5 महीने का गर्भता यहाँ पंडित चिकित्सालय में भर्ती हुई थी, 17 अप्रैल को भर्ती हुई थी। यहाँ उसका परीक्षण किया गया, उसमें ये रक्त में पीलिया था। चूंकि गर्भवती महिला थे, इसके की देखभाल महिला चिकित्सकों के द्वारा आवश्यक रहती है, अतः हमने उसके साथ अन्य गर्भवती महिलाओं को कालीबाड़ी भेज दिया था, जहाँ कालीबाड़ी में 18 तारीख से 21 तारीख तक वो भर्ती थी। ऐसी जानकारी मेरे को वहाँ की अधीक्षिका ने दी और 21 तारीख को वो बिना बताए चिकित्सालय से चले गए, लामा हो गए। सूरजपुर में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव।